Hello student, I am Paramprit Kaur from Kids International School. Today I am going to teach Chapter 1, India, Size and Location. First we will discuss about location of India. India equator के ऊपर यानी कि नदरन हेमिस्फेयर में located है. India 8 degree 4 minute south में और 37 degree 6 minute north latitude के बीच located है. अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच इंडिया लोकेटेड है. कुछ लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए एक ट्रिक है. लैटिट्यूड वो होती है जो मैप पर लेटी होती है और लॉन्गिट्यूड वो होती है जो मैप पर खड़ी होती है. लैटिट्यूड लेटी और लॉन्गिट्यूड खड़ी होती है. अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा. एक और फेमस लैटिट्यूड है हमारा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच से पास होती है और इंडिया के साउथ में दो सीज हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. बे ऑफ बंगाल में अंडेमान निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है. अब हम देखेंगे कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन कितनी बड़ी है ये कोई नहीं जानता. इसलिए जो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इंडिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये वर्ल्ड के 2.4 एरिया के बराबर है, जो इंडिया को सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बना देता है. इंडिया के बॉर्डर की लेंथ है 15,200 किलोमीटर और कोस्ट लाइन की लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर. इंडियाज बॉर्डर लेंथ इज 15,200 किलोमीटर. इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथ इज 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया के नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिन्हें हम हिमालय के नाम से जानते हैं, और साउथ में इंडियन ओशन है. इंडिया के मेन लैंड की लेंथ की बात करें तो नॉर्थ से साउथ के बीच 3,214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट की ओर 2,933 किलोमीटर का गैप है. इस गैप के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का गैप आ जाता है. यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है, लेकिन इंडिया में टाइम सेम रहे इसके लिए हम स्टैंडर्ड टाइम इंडिया को फॉलो करते हैं, जो मिर्ज़ापुर इंडिया से आती है. आगे हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी है. एक तो एशिया के बीच सेंटर में है और दूसरा इंडियन ओशन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है. तीसरा, इंडिया की जो शेप है वो डेक्कन पेनिनसुला की वजह से इंडिया को बहुत एडवांटेजेस देती है. जैसे वेस्ट कोस्ट में हम यूरोप, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, वहीं दूसरी ओर ईस्ट कोस्ट के कारण हम बड़ी बड़ी ईस्ट कंट्रीज से कनेक्टेड हैं. जितने भी हमारे शिप्स होते हैं उन्हें इंडियन ओशन से ही गुजरना पड़ता है. यही नहीं, इंडिया के लैंड रूट्स भी बहुत अच्छे हैं. इसलिए बहुत पुराने समय से हम हमारी स्पाइसेस और बाकी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी. यही नहीं, हमारी इन्वेंशन और हमारी कहानियाँ जैसे रामायण, पंचतंत्र भी पूरी दुनिया में फैल गई थी. अब हम बात करेंगे इंडिया नेबरिंग कंट्रीज. इंडिया हैज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया एंड हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान. द सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द टू आइलैंड कंट्रीज, नेमली मालदीव्स एंड श्रीलंका. इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया एंड इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.